नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े, बहुत अच्छा लगा कि आप जो है हम लोगों को इतना प्यार दे रहे हैं। और दोस्तों, आज जो है हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है परफ्यूम मेकिंग के ऊपर। परफ्यूम मेकिंग आपको आज बना के दिखाने जाने हैं। और ये परफ्यूम जो है 40% का, इसमें हम फ्रेग्रेंस कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट, बने रहिए साथ। दोस्तों, जो आज परफ्यूम बनाने जा रहे हैं हम, वो EDP से अपर लेवल का बनाने जा रहे हैं, जो कि परफ्यूम जिसमें हम 40% का कंसंट्रेशन लेंगे फ्रेग्रेंस का। तो आज जो है हमने यूज़ किया है इसमें जैस्मिन को, जैस्मिन का यूज़ किया, साथ में हमने यूज़ किया है रोज़ एंड सैंडलवुड ऑयल। ये है फ्रेग्रेंस। इसके साथ जो है हम यूज़ करने जा रहे हैं ISO सुपर लायराल एंड हेडियन का, और साथ में जो यूज़ कर रहे हैं हम DPG यूज़ कर रहे हैं और DM वाटर का यूज़ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी जब भी परफ्यूम बनाएं, जिसके लिए मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि आप जहाँ से भी फ्रेग्रेंस परचेस कर रहे हैं, जहाँ से भी केमिकल परचेस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि होता क्या है कि आप परफ्यूम बनाने जब जाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, कुछ दिनों बाद परफ्यूम का कलर भी चेंज हो जाता है, फ्रेग्रेंस भी बदल जाती है। हो सकता है आपने बनाया है उसको लाइट पिंक, और कुछ दिनों बाद जो उसका रिएक्शन करके उसको एकदम डार्क हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। फ्रेग्रेंस का कमज़ोर होना, फ्रेग्रेंस उड़ जाना जल्दी, उसका इफेक्टिव ना, प्रोजेक्शन बहुत लो आना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए कि जहाँ से भी आप परफ्यूम परचेस कर रहे हैं, केमिकल परचेस कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस परचेस कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का हो, वेंडर आपको सही चीज़ दे रहा हो। अगर जो है आपकी क्वालिटी अगर डाउन है, तो परफ्यूम की क्वालिटी भी डाउन बनेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मैंने भी परचेस किया था, जब एक महीने बाद अपने परफ्यूम्स को देखता हूँ तो उनका एकदम कलर ऐसा हो गया था, डार्क ब्लैक, सारे परफ्यूम्स का कलर बदल गया था। तो आपका भी नुकसान हो सकता है, तो नुकसान ना हो इसलिए एक भरोसेमंद वेंडर को चूज़ करें, जहाँ से आप अच्छा फ्रेग्रेंस परचेज कर पाएँ। थोड़ा क्वांटिटी में यूज़ करिए, पहले देख लीजिए, ट्रायल करिए, जब आपको भरोसा हो जाए कि चीज़ अच्छी है, तभी आपको उसको आगे बल्क में ऑर्डर दें। तो आज जो है हम कंटेनर को यूज़ करने जा रहे हैं, 50 ml का कंटेनर है हमारा। ये बेसिकली ये है जो कंटेनर है हमारा, स्क्रू नेक वाला है। स्क्रू नेक जो होता है, इसमें जो है चूड़ी लगी होती है, तो चूड़ी आराम से फिक्स हो जाती है। और कुछ होते हैं क्रिम्पिंग, जिसमें आपको क्रिम्प करना पड़ता है। क्रिम्पिंग मीन्स होता क्या है, एक टूल होता है जिसमें स्क्रू नहीं होता, आपने उसका कैप ऐसे फंसा दिया, आगे आपने इसको ऐसे बंद करके आपने उसको सील कर दिया, उसे होते हैं क्रिम्पर। ठीक है, तो इसलिए इसका क्रिम्पर है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, 200 से 250 300 तक की रेंज में मिल जाता है ये। तो ये उन बोटल्स पे यूज़ होता है, कंटेनर पे यूज़ होता है परफ्यूम की, जो कि क्रिम्पिंग वाले होते हैं। ये है स्क्रू नेक। तो स्क्रू नेक बहुत इजीली है, आप खुद भी बंद कर सकते हैं इसको। आपने परफ्यूम भरा, आपने बंद किया, लॉक कर दिया और परफ्यूम रेडी। ठीक है, तो आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, और ईज़िली वो भी है, पर आप जो है ये बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है। तो आप देख लीजिए मार्केट में जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी परफ्यूम की बॉटल आपको पसंद आए, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल अपना। फ्रेंड्स, परफ्यूम बनाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आप जिनको आप बहुत ध्यान से समझें, कि आप जब भी कोई परफ्यूम बनाएं तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, आपका परफ्यूम कस्टमर यूज़ करने जा रहा है, तो उसे बहुत ही साफ़ सफाई से बनाएं। आप ग्लव्स का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, आपकी स्किन जो है डायरेक्ट टच में आएगी कंसंट्रेट ऑयल के, तो आप जो है ग्लव्स का यूज़ करें। कोई भी ऑयल यूज़ करने आ रहे हैं, हर ऑयल के लिए आप एक अलग कंटेनर, एक अलग ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। कोई भी ड्रॉपर एक बार यूज़ करने के बाद दूसरे केमिकल में वही ड्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, इससे जो है दूसरा केमिकल भी ख़राब हो जाएगा और आपका सारा परफ्यूम और सारे केमिकल यूज़ हो जाएंगे। एक भी ड्रॉप अगर आपका केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट करता है कंटेनर में, तो आपके तो ये जो है रिएक्शन जो है आपका केमिकल ख़राब कर सकती है। तो आप जो है इंश्योर कर लें कि सारे जो ड्रॉपर आप यूज़ करने जा रहे हैं, हर किसी फ्रेग्रेंस के लिए एक अलग ड्रॉपर यूज़ करेंगे। जैसे आप है जब आप फिक्सटेटिव यूज़ करेंगे, आप फिक्सटेटिव में हेडजॉन का ड्रॉपर उसके मेन सोर्स में या मेन बॉटल में लायराल का नहीं यूज़ करना, और आप जो है जैस्मिन का रोज़ में मत यूज़ करना। आप जो भी यूज़ करें, हर किसी के लिए एक अलग ड्रॉपर यूज़ कर लें, या फिर हर किसी के लिए कंटेनर यूज़ कर लें। मैं डायरेक्ट परफ्यूम बनाता हूँ स्केल के ऊपर, बट मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सब जो है अलग अलग मैंने कंटेनर यूज़ किए हुए रख रखे हैं।
यहाँ पे मेरे पास दो कंटेनर प्लास्टिक के हैं एक्चुअली, मेरे पास ज़्यादा अभी कंटेनर इस टाइम अवेलेबल था नहीं मेरे पास, तो मैंने यूज़ किए दो प्लास्टिक के कंटेनर छोटे जो कि फ्रेश एकदम न्यू है, जिसको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि अभी ये नए थे मैंने यूज़ कर लिया, पर आप जो हमेशा ग्लास के ही कंटेनर यूज़ करें, ताकि जो है स्मेल जो है उसमें नहीं रहती है ग्लास में, और आपका परफ्यूम अच्छा बनता है। जबकि प्लास्टिक का जब आप यूज़ करते हैं उसमें स्मेल रुक जाती है, अब नेक्स्ट परफ्यूम बनाने जाएंगे तो पहले परफ्यूम की स्मेल आ रही होगी। तो आप कोशिश ये करिए कि आप जो है हर बार जो है अच्छा कंटेनर यूज़ करें, और साफ़ सुथरा कंटेनर यूज़ करें, और ग्लास कंटेनर यूज़ करें, ठीक है, प्लास्टिक का कंटेनर अवॉइड करें। तो दोस्तों, तो ये जो है बेसिक टिप्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। ये पहला ड्रॉपर जो है हर किसी का अलग यूज़ करेंगे, ग्लव्स पहन के यूज़ करेंगे, और ग्लास कंटेनर का यूज़ करेंगे। आप जो फिक्सेटिंग यूज़ करेंगे वो स्टार्ट करिए 1% से 2% के रेशियो को लेके जाइए, यानी आप जो फ्रेग्रेंस है उसका 1 से 2% से स्टार्ट करिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फ्रेग्रेंस बना रहे हैं ये, और कितनी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और उसका प्रोजेक्शन कैसा चाहिए। मैं अभी अपने यूज़ के लिए बना रहा हूँ ये फिलहाल ये फ्रेग्रेंस, तो मैं इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। इसमें जो है मैं फिक्सटेटिव को फ्रेग्रेंस का जो है लमसम जो है 10 से 15% लेके जाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप जो है 1 से 2% से स्टार्ट कीजिए, जहाँ आपको लगता है कि आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो टिकना चालू हो गई कपड़ों पे, तो और अच्छा प्रोजेक्शन मिलने लगा, तो आप वहाँ पे जाके स्टॉप भी कर सकते हैं। मैं एक्चुअली गर्मियों के माहौल से बना रहा हूँ कि जो है परफ्यूम, अगर मैं निकल के गर्मियों में बाहर जाऊँ धूप में जाऊँ, तो मेरा जो है परफ्यूम बहुत टिके और नहीं उड़े। ये मेरा पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैंने आपको इसमें फिक्सेटिव ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, पर आप जो है 5% तक लेके जाइए फ्रेग्रेंस का। 5% फाइव आप इसको फ्रेग्रेंस का 5 से 10% भी जा सकते हैं। जैसे आप सपोज 20% में फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहा हूँ, 20 का आप जो है 5% यूज़ कर लीजिए, या फिर 5 से 15 के बीच में आप यूज़ कर सकते हैं उसका आप फिक्सेटिव फ्रेग्रेंस जो है। फ्रेग्रेंस जो है मेरी 20 ml मैंने फ्रेग्रेंस यूज़ किया है, 20 ml बोले हैं, 20 ग्राम बोले हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है, ये परफ्यूम इंडस्ट्री में जो है 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml है। तो फ्रेग्रेंस मैंने 50 ml हम परफ्यूम बनाने जा रहे हैं, टोटल जो क्वांटिटी बनेगी 50 ml बनेगी, जिसमें मैंने आपको यूज़ किया है 20 ml परफ्यूम यूज़ किया है, 20 ml का ब्लेंड मैंने बनाया है। उसका भी रेशियो क्या है, 20 ml ब्लेंड, मतलब कि मैंने तीन फ्रेग्रेंस को मिक्स किया है, उसका ब्लेंड तैयार किया है, जो कि 15-20-65 का रेशियो है। 15-20-65 का रेशियो क्या है एक्चुअल, जो मैंने आपको नेचुरल परफ्यूम का जो ब्लेंड बनाया था तभी मैंने आपको बताया था कि मैंने 20 ml परफ्यूम में, 20 ml 20 ग्राम परफ्यूम में मैंने जो यूज़ किया हुआ है 15%, 15% मैंने जैस्मिन को यूज़ किया है, ठीक है, 20% मैंने यूज़ किया है आपका रोज़ ऑयल, रोज़ का फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं, 60% मैंने सैंडलवुड को यूज़ किया है, ठीक है, जैस्मिन रोज़ एंड सैंडल, ठीक है, 15-20-65, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 20 ग्राम का 15% कितना हुआ, 20% कितना हुआ, और 65% कितना हुआ। तो 15% जो है 20 ग्राम का 15% जो हुआ वो निकल आके आया 3 ग्राम जैस्मिन, ठीक है, और 20% जो निकल के आया 20 का, तो आपका निकल के आया 4 ग्राम आपका रोज ऑयल, 65% जो है आपका निकल के आया आपका सैंडलवुड ऑयल, ठीक है। तो 15-20-65 का रेशियो था फ्रेग्रेंस ऑयल का, टोटल 20 ग्राम फ्रेग्रेंस ऑयल का रेशियो था 15-20-65। तो यहाँ इसका जो ब्लेंड हमने तैयार किया, तो वो ये अभी ब्लेंड है, और ये जो है बेस है सैंडलवुड ऑयल, रोज ऑयल आपका मिडिल है, और जैस्मिन आपका टॉप है, ठीक है। तो हम इसको मिक्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बेस नोट जो कि आपका सैंडलवुड ऑयल है, जो कि आपका 13 ग्राम है, सबसे पहले हमने कंटेनर में 13 ग्राम बेस नोट डाल लिया जो कि सैंडलवुड ऑयल है। फिर हमने अपना मिडिल नोट जो कि रोज़ है, ठीक है, जो कि 4 ग्राम है, फिर हमारा
टॉप नोट जैस्मिन, जैस्मिन हमारा टॉप नोट है जो कि 3 ग्राम है। तीन चार 13 टॉप मिडिल बेस। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉप मिडिल बेस जो है हमने कंटेनर में डाल दिया है। अब बात करते हैं फिक्सेटिव की। फिक्सेटिव मैंने टोटल 3 ml का यूज़ किया है जो कि जो फ्रेग्रेंस का आपको लमसम 15% जाके बैठता है। तो कि मैंने आपको बताया आप इसको जो है 5 से 15% यूज़ कर सकते हैं, पर स्टार्ट आप 1 से 2% से करिए। जहाँ आपको लगता है कि आपको प्रोजेक्शन मिलना अच्छा बन आ गया आपका प्रोजेक्शन और फ्रेग्रेंस स्टे करना चालू कर दी, तो आप वहाँ पे जाके रुक सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके फॉर्मुलेशन के ऊपर। मैंने सारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा था अपने यूज़ के लिए बना रहा था, तो जिसको मैं ये आगे चल के यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसको 15% पे लेके गया। तो आप 5 से 15% पे जा सकते हैं, फिक्सेटिव का यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्रेग्रेंस का होगा। ठीक है, तो हमने जैस्मिन को बूस्ट करने के लिए हम जो यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ करने जा रहे हैं हम हेडियन का। हेडियन का यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि हेडियन जो है कि फ्रेग्रेंस जैस्मिन की से मिलती जुलती होती है और ये अच्छा बूस्ट करेगी उसकी फ्रेग्रेंस को। तो हम इसको 1 ग्राम डाल रहे हैं हम आपका हेडियन। सेकंड सेकंड हम जो है हमारी फ्रेग्रेंस जो है ये फ्लावर फ्रेग्रेंस है, तो हम इसमें लायरल का यूज करेंगे जो कि जैस्मिन और रोज को भी बूस्टअप करेगी काफी अच्छे से। तो हम इसको यूज करेंगे लायरल का। लायरल जो है जो फिक्सेटिव है वो फ्लोरल फैमिली से बिलोंग करता है, फ्लोरल परफ्यूम यूज करते हैं लायरल। हेडियन का काम था जैस्मिन को बूस्ट करने का और लायरल का काम है रोज और जैस्मिन और सेंटरवुड को, सबको बूस्ट करेगा। ठीक है, सेकेंड हम जो आई यूज़ करने जा रहे हैं बेस बेस नोट के लिए, बेस नोट को बूस्ट करने के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं ISO सुपर का। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताया था 1 ml इक्वल टू 20 ड्रॉप्स। ठीक है, तो हम इसको 20 ड्रॉप्स यूज़ करेंगे ISO सुपर का। एक दो तीन चार 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमने इसमें 1 ml हेडियन, 1 ml लायरल, 1 ml ISO सुपर का यूज किया। तो यहाँ पर फिक्सेटिव भी मिक्स हो चुके हैं। अब हम यूज करने जा रहे हैं DPG का। DPG जो है हमने जो यूज किया है इसको 2 ml का यूज़ किया है। 2 ml यानी जो है 4% जो है टोटल परफ्यूम का, यानी कि 50 ml हम परफ्यूम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसका 4% जो है 2 ml लमसम बैठता है। तो हमने 2 ml DPG का यूज़ किया हमने इसमें। DPG का जो काम है ये परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, काफ़ी बूस्टअप देता है, फ्रेग्रेंस हमारी जो है बॉडी कपड़ों पे टिकती है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन मिलता है इससे। अब एक चीज़ जो बची हमारी वो बचा है डीएम वाटर। डीएम वाटर का काम क्या है? बस डीएम वाटर मैंने आपको बताया था, डीएम वाटर यानी डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज वाटर ये वाटर जिसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते। अगर आप RO वाटर यूज़ करेंगे तो ये फ्रेग्रेंस जो है परफ्यूम आपका ब्लरी हो जाएगा, वाइट बन जाएगा एकदम। तो आपको डीमिनरलाइज वाटर यूज़ करना है जो कि आपके टॉप नोट को बूस्ट करेगा, यानी कि एकदम आपका जो फ्रेग्रेंस आएगा बहुत ही लाजवाब आएगा, उसका जो टॉप नोट है जैस्मिन का उसको काफ़ी बूस्ट करेगा। तो इसका यूज़ करते जब आपने परफ्यूम की बॉटल में लिखा देखा होगा एक्वा, ठीक है, तो आप सोचते हो एक्वा क्या? ठीक है, एक्वा यही है डीएम वाटर। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करेंगे डीएम वाटर। डीएम वाटर कितना करना है इसको? ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना, मुश्किल से मुश्किल 3 to 5 ड्रॉप यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो मैं भी इसको उतना ही यूज़ करने जा रहा हूँ।
1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, ये 5 ड्रॉप हमने जो है यूज़ किया हमने डीएम वाटर, जो कि हमारे टॉप नोट को बूस्ट करेगा। तो अब क्या है, ये हमारा परफ्यूम का ब्लेंड रेडी हो गया, देखेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इसको जो है आपको अच्छे से शेक करना है और काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। माहौल जो है जहाँ मैं इसको बना रहा हूँ, तो चारों तरफ जो जैस्मिन और रोज़ की फ्रेग्रेंस फैल गई है, तो काफ़ी अच्छा। तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है, क्वांटिटी अब हम काउंट कर लेते हैं। 20 ml हमारा फ्रेग्रेंस, 3 ml हमारा जो है फिक्सेटिव, 2 ml जो है हमारा आपका DPG ड्राई प्रोपिलीन ग्लाइकोल, तो यानी कि ये बैठा जाके 25 ml या 25 ग्राम, तो और उतना ही जो है हमें 50 ml के लिए हमें एथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उतना ही हम इसमें एथेनॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्वेंटी फाइव ग्राम यूज़ करने जा रहे हैं हम एथेनॉल। ठीक है, अब जो है एथेनॉल को मिक्स करेंगे हम अपने परफ्यूम ब्लेंड के साथ। अब हम इसको शेकर से मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। एक चीज़ आप जान लीजिए, इसको मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको और स्टोर करना भी। जितनी अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे, उतना ही आपके लिए और परफ्यूम के लिए अच्छा है कि आपको कस्टमर की वाहवाही मिलेगी, या फिर आप अपने यूज़ के लिए आए हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं काफ़ी अच्छे। ओके, तो ये जो है आपको मिक्सर जो है शेकर जो है आपको मार्केट में मिल जाता है बहुत इजीली, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका जो है परफ्यूम जो है काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छे से परफ्यूम मिक्स हो गया, कहीं पता नहीं चला इथेनॉल का है अल्कोहल का है, कोई लेयर नहीं आ रही आपके परफ्यूम में। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, परफ्यूम एथेनॉल से मिक्स हो चुका है, फ्रेग्रेंस जो है सारे फिक्सेटिव फ्रेग्रेंस DPG DM वाटर सब कुछ आपका फिक्स हो चुका है। तो आप जो है आपकी पसंद की जो है परफ्यूम की बॉटल मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ये मैंने जो है परचेस करी, मेरे को थोड़ा डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने परचेस करी। तो आप जो है आपकी पसंद, कस्टमर की पसंद जैसा भी है, आप उसको परचेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं।
डिपेंड करता है आप स्क्रू नेक ले रहे हैं, क्रिम्पिंग वाला ले रहे हैं, कि आपको कैसा लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, वेंडर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो है आपको फाइन क्वालिटी यूज़ करें। मेन खेल जो है आपका परफ्यूम बॉटल का है, जितनी अच्छी परफ्यूम बॉटल उतने ही आपके कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी परफ्यूम की तरह, कि भाई बहुत अच्छी है। प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए परफ्यूम की। अब आप जो इसको बंद कर दीजिए। परफ्यूम जो है आपका रेडी है, फ्रेग्रेंस चेक कर लेते हैं इसकी। आपको जो भी आप परफ्यूम की फ्रेग्रेंस चेक करनी हो, तो आप जो है स्ट्रिप जो है का यूज़ करें, परफ्यूम स्ट्रिप, आप पेपर स्ट्रिप का यूज़ करें, क्योंकि जब बार बार मैंने देखा है हाथ पे, कहाँ तक आप लोग यूज़ करेंगे, बार बार हाथ पे करेंगे, कभी इसमें करेंगे कभी उसमें। तो आप अच्छा है कि आप मार्केट से पेपर स्ट्रिप का यूज़ करें, पेपर स्ट्रिप परचेस कर ले, ठीक है। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। तो पर ये जो है आपको स्टोर करके रखना है, लमसम जो है 1 से 2 दिन में ही जो है काफ़ी अच्छा आपको इसका प्रोजेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। और जो है इसको ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि डार्क में यूज़ कीजिए परफ्यूम को, डार्क में रखिए, ठीक है। जब आप देखेंगे मेरे जो केमिकल्स वगैरह जो है, मैंने इसे डार्क अम्बर कलर की बॉटल में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी जो है डार्क परफ्यूम डार्क में रखिए परफ्यूम, ठीक है। बहुत ही अच्छा, एकदम लाजवाब, ठीक है। तो आप ऐसे परफ्यूम क्रिएट कर सकते हैं। फिक्सेटिव का यूज़ जो है डिपेंड, मैंने आपको पहले बताया, आप ध्यान रखिएगा, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार बना के देख लीजिए आपको कितना जाना है, ठीक है। 5 से 15% तक आप यूज़ कर सकते हैं इसको, फिक्सेटिव को, ठीक है ना। तो और सेकेंड चीज, ये आपका एकदम रेडी है। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग। परफ्यूम आपका रेडी हो गया, बहुत अच्छी बॉटल भी बहुत काफ़ी अच्छी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि दुबई के मॉल में आप जो है ने आपने बॉटल यूज़ की हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी बॉटल है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने दुबई के मॉल में बॉटल परचेस करी हो, काफ़ी अच्छा एकदम गोल्डन कलर की बॉटल। अब बात करते हैं, जब तक इसकी अब पैकिंग भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, तभी जो है आप जो है कस्टमर से पैसे की डिमांड भी वैसे ही करेंगे आप। तो आपकी इसकी पैकेजिंग के लिए मार्केट में अलग अलग मटेरियल है, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप इसी पैकेजिंग में कैसे यूज़ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स, ठीक, आप इसको पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंदर जो है एक सैटन का कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपके ऐसा लगता है कि जब आप इसका अपना परफ्यूम रखेंगे तो काफ़ी रिचेस्ट लुक देगा आपको इसमें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सैटन का कपड़ा, गोल्डन कलर का सैटन का कपड़ा भी है, ठीक है। बॉक्स भी गोल्डन का, आपकी बॉटल भी गोल्डन कलर की हुई है। आप इसको जो है आप इसको पैक कर सकते हैं, आप पैक कर सकते हैं, आप इसको जो है लेबलिंग करा सकते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब भी आप कस्टमर को दें, ठीक है, तो आप याद रखें कि आप उसकी जो जब भी आप उसको दें प्रॉपर पेपर बैग में दें, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, पॉली बैग का यूज़ कम से कम करें, पेपर बैग का यूज़ करें। आप जो है कस्टमर को
पेपर बैग में परफ्यूम दे सकते हैं। तो ऐसे जो है आप जो है कस्टमर को अच्छे से परफ्यूम भी, काफ़ी अच्छा परफ्यूम, काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ, काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, बहुत ही उसको प्यार के साथ दे सकते हैं। तो ऐसे जो है आज हमने सीखा कि परफ्यूम, यानी मैं EDP की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूम की बात कर रहा हूँ, जिसमें कंसंट्रेशन जो है हमने 40% का कंसंट्रेशन रखा, 50 ml टोटल में परफ्यूम बनाया। तो इस टाइप से आप परफ्यूम बना के अपना काम चालू कर सकते हैं, अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम जो गाइड के लिए मैं बैठा ही हुआ हूँ, आपको कुछ भी सवाल जवाब है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आज जल्दी आपके साथ अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको इतना कुछ है शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, मेरी खुशी होगी कि आप लोग जो है इस लाइन को पकड़ें। मैं एज ए हॉबी इसको लेके चलता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है काफ़ी टाइम से। तो काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आए कि सर आप जो है आपकी कोई शॉप है? नहीं, मेरी कोई शॉप नहीं है, मैं बाय हॉबी और अपने इंटरेस्ट के लिए करता हूँ और हर जगह चाहता हूँ कि खुशबू फैले, ठीक है ना। तो मैं अपने इंटरेस्ट हॉबी के साथ करता हूँ। हाँ, मेरे पास काफ़ी टाइम से जो है नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है हो गई है धीरे धीरे, और काफ़ी अरसे से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ फ्रेगरेंस से। मेरा सोचना ये है कि आप सभी लोग इसको यूज़ करें। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप परफ्यूम और फ्रेगरेंस और एरोमा से कैसे अपनी लाइफ को जो है काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को अलाइन कर सकते हैं, दिनचर्या की अपनी लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हैं, रोज़मर्रा की अपनी बीमारियों को कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है आप एरोमा थेरेपी में सीखेंगे। सिर्फ फ्रेगरेंस परफ्यूम का यूज़ ये नहीं कि आपने परफ्यूम लगाया आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, आप मार्केट में गए, सब लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिए। जब परफ्यूम और फ्रेगरेंस आपकी डेली लाइफ को अच्छा करे, आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा करे, आपकी बीमारियों को अच्छा करे, तो और भी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जो है काफ़ी आने वाले वीडियोस बहुत अच्छे होने वाले हैं। एरोमा थेरेपी भी आपको मैं सिखाऊंगा कैसे 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 ब्लेंड्स तैयार करें जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, कौन से ब्लेंड को तैयार करके कौन से डिफ्यूज़र में यूज़ करके आपके बच्चों को पढ़ाई में मन करके कंसंट्रेशन कैसे आए, ठीक है। और जो है ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। और जल्द ही जो है मैं आपको साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, जिसमें आप जो है अपने सवाल जवाब जो है मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आपको क्या 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 दिक्कत आती है, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आती है, उसे क्या प्रोजेक्शन नहीं मिल रहा, तो उसको कैसे जो है इसको इम्प्रूव करें। अगर आपके जैसे आपने कोई परफ्यूम ऑयल बनाया, ठीक है, वो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। जैसे आपने कोई परफ्यूम ऑयल बनाया तो उसमें ब्लरी हो गया आपका परफ्यूम ऑयल, तो क्रिस्टल क्लियर परफ्यूम परफ्यूम बनाने का क्या तरीका है? अगर आपने परफ्यूम बनाया उसमें हेजलनेस आ गया, परफ्यूम ब्लर हो गया, डीएम वाटर ज़्यादा पड़ गया या धुंधला परफ्यूम हो गया, तो उसको क्रिस्टल क्लियर कैसे करा जाए? तो ये सारे बहुत कुछ जो है मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा मानना ये है कि जो है परफ्यूम की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हर कोई जो रिच ज़्यादा महंगे परफ्यूम यूज़ नहीं कर पाता, तो मैं आपको सस्ते में जो है ब्रांडेड परफ्यूम्स कैसे आप ब्रांड परफ्यूम की फ्रेगरेंस को यूज़ कर सकते हैं ये सब कुछ बताऊँगा। मानिए मेरे परफ्यूम को और जो मैं बताऊंगा उससे जो है आपको जो है बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज इतने ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं उनको खरीदने के लिए लगता है बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी, पैसे निकाल के 10,000 रुपए के परफ्यूम लेके आएंगे। तो मैं चाहूँ तो मैं रिव्यू भी कर सकता हूँ, पर मेरा मानना है कि आप वैसी ब्रांडेड फ्रेगरेंस आप खुद यूज़ करें, आपने खुद बना के अपने कस्टमर्स को दें, ना कि आप जो है विदेशों के जो ब्रांड हैं वो इंडिया में ला के जो है इंडिया की करेंसी बाहर जाए, तो आप जो है मेक इन इंडिया का यूज़ करें। यहाँ इंडिया में हम लोग जो है काफ़ी आपके जो है बिजनेसमैन हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी वेंडर्स हैं जो यहाँ पर लोकल में ये सारी चीज़ तैयार करते हैं, आप उनको यूज़ करें, ठीक है ना। तो आप जो है सारे ब्रांडेड फ्रेगरेंस जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, कौन से क्लोन के साथ जो है आप जो है कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बताऊँगा। तो आप ब्रांडेड परफ्यूम का मज़ा देसी तरीके से इंडियन स्टाइल में लेंगे, ठीक है। तो जो है अगर आपको ये वीडियो और मेरा जो चैनल पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।